Rejoice Ministries International, preacher, Mrs. Aster Sajid. Please subscribe our YouTube channel. Thank you. इसी तरह से है। आयत नंबर 3 पर हम गौर करेंगे। हिस्किया बादशाह इस्राएल का बादशाह था, वो बीमार पड़ गया और खुदा ने अपने नबी को भेजा कि जा इससे कह दे एक घर का बंदोबस्त कर, क्योंकि तू बच्चे का नहीं तू मर जाएगा। अब हिस्किया बादशाह क्या करता है? सुन लेता है, चुप हो जाता है? नहीं, उसने एक वफादार जिंदगी गुजारी है और वो अपने खुदा से कहता है, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा। खुदा को याद करवाता है। वफादार शख्स वो है जो हमेशा खुदा के साथ चलता है, फिर जब उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुदा के सामने खड़ा होता है, अकड़ कर नहीं, आंसू बहाता है। उसने क्या कहा? आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। याद रखे मेरे अजीजों, जो उसकी नजर में भला है सिर्फ वो ही किया है। ये उसकी वफादारी की अहम मिसाल है। हम एक जबूर गाते हैं, हमेशा जबूरी गाते हैं, तेरे हथियार होंगे खुदावंद की वफादारी। ये छोटी बात नहीं है, बिलाशुबा जो शख्स वफादार है कानून फितरत उस पर लागू नहीं होता। कानून फितरत क्या है? सुबह सूरज तलू होगा और शाम में गुरु हो जाएगा, उसके आवर मैयर किए जाते हैं, उसके पैमाने ठहराए जाते हैं, लेकिन जो वफादार खुदा के हजूर में खड़ा होगा, अपनी वफादारी का ऐलान करेगा, तो कानून फितरत उसके लिए तब्दील किया जाएगा। खुदा ने उसको निशान दिया, उसने कहा तू तय कर ले कि क्या होगा, या तो सूरज ढले हुए साया से पीछे जाएगा 10 बजे तो, या फिर आगे, यानी कि या तो शाम जल्दी हो जाएगी और या देर से। ईसा ने कहा ये तो छोटी बात है, शाम जल्दी हो जाए, किसी ने इस चीज का नोटिस ही नहीं करना, शाम देर से हो ताकि लोगों को पता चले 8 बजे सूरज गरूब नहीं हुआ, 9 बजे अब तक दिन चढ़ा हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग। सो सब लोगों को बताया जाएगा कि हिस्किया की दुआ कबूल हुई, नबी जो उसके लिए पैगाम मौत का लेकर आया, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो अभी निकल कर शहर के बीच में ही नहीं पहुंचा कि खुदा का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि वापस लौट जा और अपने बंदा से कह दे मैंने तेरे आंसू देखे और मैंने तेरी दुआ को सुन लिया, कानून फितरत तेरी वजह से चेंज किया जाएगा, कानून फितरत तुझ पर उस तरह से लागू हर किस नहीं होगा। जो लोग वफादार हैं, जो खुदा के हजूर वही करते हैं जो भला है, जो उसकी नजर में भला है, उनके लिए हर चीज तब्दील की जाती है, उनके लिए लोगों के दिल तब्दील किए जाते हैं, उनके लिए हालात तब्दील किए जाते हैं, उनके लिए तूफानों के रूप बदल डाले जाते हैं। इसी तरह यशुआ की किताब का मुतालिया करते हुए मैंने कल पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत हवाला। बिलाशुबा नासा ने अब पिछले दिनों एक स्टडी को पेश किया, एक रिसर्च पेश की और उन्होंने कहा सूरज की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसे थोड़ा सा आगे होना चाहिए। क्या वजह है कि सूरज मयार से पीछे दिखाई देता है? और उसकी वजह बाइबल मुकद्दस में से उन्हें मिली। एक बार हिस्किया की वजह से सूरज 10 दर्जे पीछे चला गया, खुदा ने शाम होने ना दी। और एक बार यशाया की वजह से बाइबल मुकद्दस में इस तरह से लिखा है कि जब वो जबाओं की वादी में लड़ रहा था, हित्तियों को मार रहा था, तो यशवा ने ललकार कर कहा, ऐ सूरज वादी जबाओं पर, ऐ चांद वादी अयालून पर ठहर जा। और बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है, सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा। वजह वफादारी है।